तो वेज लवर सुन लो, ये आपके लिए वेज कबाब है। वेज कबाब किस चीज के बनते हैं? दो कबाब, दो पराठे, 80 रुपए की प्लेट। तो ये अपने उल्टा तवा पराठा रेडी हो रहा है और ये अपने रोल आ चुके हैं। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आगरा के फेमस अवधी फूड्स पे आए हैं जो अपने वेज कबाब्स के लिए, वेज रोल्स के लिए जाने जाते हैं। एक बार इनका हम आपको फूड कवर करके दिखाते हैं, चलिए गाइस। तो गाइस यहाँ पे अपना उल्टा तवे का पराठा बिल रहा है, बनने जा रहा है। तो ये बन रहा है भैया। किस चीज़ से बनता है ये आटा पूरा? 50% आटा है, मैदा है और दूध है और रवा है और घी है। अच्छा, 50% मैदा है, 50% आटा, सूजी, रवा सब मिक्स है, दूध घी है। तो ये अपने उल्टा तवा पराठा रेडी हो रहा है और ये देख सकते हैं गाइस कि उल्टे तवे का भैया ये फॉरवर्ड आया कहाँ से? मेन मुगली पराठा है, मुगल सल्तनत से ही आया है। तो अपना उल्टा तवा बन के रेडी हो चुका है। तो भैया अपने ये क्या बना रही हुई है? ये वेज कबाब है। वेज कबाब किस चीज़ के बनते हैं? ये दाल और सब्जियों के होते हैं। तो ये अपने भैया वेज कबाब बना रहे हैं, चलिए भैया ये देखिए। इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है भैया? अच्छा, दो कबाब, दो पराठे, 80 रुपये की प्लेट गाइस। देख सकते हैं ये अपने अभी बन रहे हैं कबाब, वेज कबाब। ये वेज लवर्स के लिए तो भाई हेवन है, क्योंकि ना ज़्यादातर वेज लवर्स नॉन वेज अवॉइड करते हैं, खा ही नहीं पाते, तो वीडियो भी चले ही जाते हैं छोड़ के। तो वेज लवर्स सुन लो, ये आपके लिए है भाई, पूरी वीडियो देखना एंड तक। तो इतने सारे बन रहे हैं, ओए ओए क्या बात है। तो ये भैया अभी प्रेस कर रहे हैं अच्छे तरीके से एकदम, और भैया ने अभी आँच तेज़ कर दी मेरे को जैसे कि आवाज़ आई पूरी। और डले का ये तेल भैया, तेल है ये रिफाइंड? कौन सी कंपनी का यूज़ करते हो आप रिफाइंड? फॉर्च्यून। क्या बात है भाई, फॉर्च्यून का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, बढ़िया बात है, ये तो बढ़िया है। तो गाइज अपने अब कबाब रोल लगने जा रहे हैं, वेज कबाब रोल गाइज, वेज कबाब रोल, नॉन वेज नहीं है गाइज। ये अपना रिफाइंड डल गया ऊपर से, अब अपने पूरा तवा जो देख रहे हो ना, पूरा तवा भर जाएगा गाइज। अपने ये पराठे आ गए जिन पे ये लगेगा कबाब रोल, कबाब डालेंगे। अरे भाई साहब नेक्स्ट लेवल। ये अपने ये रोल कबाब डाल रहे हैं भैया, और ये पूरा एकदम ऐसे इन्हें पूरा अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया बिल्कुल एकदम। भाई साहब जैसे ही स्प्रेड कर रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है मुंह में जाती है, अगर हम खाएंगे ना पूरा घुल ही जाएगा ऑब्वियसली। भैया ये कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है? मतलब क्या स्पाइसी होता है कि कैसा होता है? स्पाइसी और मसालेदार रहता है बिल्कुल है। तो भाई ये तो पनीर टिक्का जो लोग काम चलाते थे, पनीर टिक्का खा के, ये उनके लिए तो फिर ये जन्नत है यार। जिन लोग जो लोग नॉन वेज नहीं खाते, पनीर टिक्का खा के काम चलाते हैं अपना, तो ये उनके लिए एक रिकमेंडेड है जगह। मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। ये भैया ने डाल दी अपनी प्याज, ये सारे रोल से भैया प्याज डाल रहे हैं। ये ऊपर डल गई ऊपर से चटनी। भैया चटनी किस चीज की होती है? हाँ चटनी में क्या क्या डलता है, मतलब क्या यूज करते हो? हरी मिर्च, हरा धनिया। अच्छा मतलब नॉर्मल चटनी हरी मिर्च हरा धनिया वाली है? हाँ, अच्छा इमली उमली डाल के पूरी एकदम बढ़िया तरीके से चटनी बनाते हैं, पालक वालक डाल के। तो ये गाइस चटनी हमारे रोल्स पर लग चुकी है, अब भैया कर रहे हैं रोल को पूरा बंद, रोल कर रहे हैं। और ये सारा काम पूरे तवे पे ही होता है, और भैया रोल लगा रहे हैं, और ये अपने रोल आ चुके हैं गाइस, मिल गई चटनी अपने रोल में। ओए ओए चटनी डाल के भाई सब अलग ही भाई नेक्स्ट लेवल दिख रहे हैं। सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक बार अवधी फूड संजय प्लेस रिकमेंडेड प्लेस है, आना ना भूलें एक बार। थैंक यू गाइस।